दोस्तों 3 दिन से देख रहा हूँ, हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर आप ऐसा टाइप करते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन में सांप चलने लगेगा। आजकल ऐसे वीडियो इसलिए वायरल हो जाते हैं क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में बिना सोचे समझे इसे शेयर कर देते हैं, और कुछ लोग सिर्फ मजे लेने के लिए करते हैं। उनका सोचना यह होता होगा कि एक शेयर ही तो करना है, क्या जाता है। और तो और दोस्तों, मैंने भी आज एक वीडियो बनाकर अपने वाइंस वाले पेज पे अपलोड किया है, देखते हैं उसमें कितने शेयर आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो सांप है यह किसी वीडियो में कमेंट करने से नहीं आता है। तो यह सांप कैसे आएगा, इसके लिए आप यह वीडियो देखते रहिए और पूरी सच्चाई खुद ही जान लीजिए। दोस्तों इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है स्नेक ऑन फोन स्क्रीन। इसे सर्च कीजिए और ये देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर में जो ये आ रहा है 4.4 रेटिंग का, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। और ऐप ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जो भी ऐड आए इसे क्लोज कर दीजिए। और अब ये देखिए, ये आपके फ़ोन की स्क्रीन में स्नेक को ऐड कर रहा है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे बस सो स्नेक पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, इसे बैक करिए, आप अपना फ़ोन चलाते रहिए दोस्तों, कुछ भी करिए ये ऐसे ही रहेगा। ये देखिए, दोस्तों अभी सांप को हटाने के लिए अपनी स्क्रीन को नीचे स्लाइड करिए। और ये देखिए यहाँ पे बता रहा है स्नेक ऑन स्क्रीन हिसिंग जो, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और अब बैक कर दीजिए। तो दोस्तों देखा आपने सांप वाले वायरल वीडियो का सर्च। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।